हेलो, वेलकम टू वाई सिक्योरिटीज़। आज हम लोग वाई सिक्योरिटीज़ के रिसर्च पोर्टल पर केसी 100 इंडेक्स की लाइव परफॉर्मेंस और टेक्निकल चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। केसी 100 इंडेक्स इस वक्त 45,623.64 पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है। 182 पॉइंट्स इंडेक्स गेन कर चुका है। 72.04 मिलियन शेयर्स की मार्केट में ट्रेडिंग हो चुकी है। मार्केट परफॉर्मेंस में BOP, SNGP, टेलीकार्ड की के इलेक्ट्रिक और TPL मौजूद हैं एज अ लीडर्स के तौर के ऊपर। देख सकते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब में 39.21 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग अभी तक हो चुकी है और SNGP में 9.32 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हो चुकी है। टेलीकार्ड में 6.68 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक में 4.8 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हो चुकी है। साथ साथ TPLP में 4.15 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हो चुकी है। इसी को अगर हम इंडेक्सेस में देखें, जिस तरीके से इस वक्त करंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की चल रही है और इंडेक्स ने अपना इंट्राडे हाई 45,627.97 पॉइंट्स का बनाया है और इस वक्त गेन किए हुए हैं 186.987 पॉइंट्स। और इंटरडे लो अभी तक कुछ नहीं बना, तो इंटरडे लो बेसिकली द प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो कि 45,441 से मार्केट ने ओपन हुई थी। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो हमारे वॉल्यूम भी जो हैं वो बेहतर हुए हैं। यस्टरडे हमारे वॉल्यूम्स थे 63.81 मिलियन शेयर्स और आज के दिन जो हमारे वॉल्यूम्स हैं 72.51 मिलियन शेयर ट्रेडिंग हो चुके हैं अभी तक। और मार्केट जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। OGTC, एफर्ट, PPL, हब पावर, SNGP और लकी जो हैं वो इस वक्त पॉजिटिव परफॉर्मेंस अपनी शो कर रहे हैं। OGTC में 26 पॉइंट्स गेन करें इंडेक्स में, एफर्ट ने 23 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करे, PPL ने 21 पॉइंट्स, हब पावर ने 17 पॉइंट्स, SNGP ने भी 17 पॉइंट्स। नेगेटिव में मरी पेट्रोलियम ने 9 पॉइंट्स लूज करे, MTL ने 7 पॉइंट्स, फातमा ने भी 7 पॉइंट्स और HBL ने 6 पॉइंट्स इंडेक्स में लूज करें। सेक्टर वाइज बात करें और अगर हम इसको सेक्टर वाइज देखें तो इस मेरे पास इस वक्त सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस मौजूद है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 42 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 33 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करे, कमर्शियल बैंक ने 29 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करे। हमारा चार्ट भी जो ओपन हुआ है ये सर्कुलर चार्ट, इसमें सीमेंट का सेक्टर हमारे पास पॉजिटिव है, हमारे पास फर्टिलाइजर का सेक्टर पॉजिटिव है, ऑयल इंडिया एक्सप्लोरेशन का सेक्टर पॉजिटिव है, कमर्शियल बैंक का सेक्टर भी पॉजिटिव है, साथ साथ टेक्नोलॉजी का सेक्टर भी पॉजिटिव है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट। सेक्टर ओवरव्यू की बात करते हैं। सेक्टर ओवरव्यू में इस वक्त जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इंडेक्स में चल रही है जिस सेक्टर की, वो हमारा इस वक्त ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का सेक्टर है। 2.06% अपनी कम्युनिटी मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन किए हुए, PSO, APL, शेल और SNGP इसमें मौजूद है। नेगेटिव सेक्टर में टेक्सटाइल वीविंग का सेक्टर है, जैसे 1.08% अपनी कम्युनिटी मार्केट कैपिटलाइजेशन को लूज किया, इसमें PRWM, STJT, ZTL और यूसुफ वीविंग मौजूद है। टेक्निकल चार्ट पर आते हैं KSE 100 इंडेक्स के। इस वक्त मेरे पास KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट ओपन हुआ हुआ है। देख सकते हैं कि इस टेक्निकल चार्ट में जिस तरीके से इस वक्त इंडेक्स की परफॉर्मेंस चल रही है और इंडेक्स जो है वो मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। मूविंग एवरेज 200 और मूविंग एवरेज 100, इन दोनों के दरमियान जो है वो गोल्डन क्रॉस बनने वाला है और जिसकी वजह से मार्केट जो थोड़ी सी जो है वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस अपनी शो कराई है। 114 इंडेक्स ने जो है वो गेन करे। मेरे पास ये 4 आवर्स का चार्ट ओपन हुआ हुआ है और इस 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर जो हम देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जिस तरीके से अपना लास्ट टाइम डबल टॉप बनाया और डबल टॉप बनाने के बाद जो है वो इंडेक्स जो है वो गिरने के बाद जो उसी सपोर्ट लेवल को फॉलो करते हुए इंडेक्स जो है वो इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस को पॉजिटिव लेके चल रहा है। साथ साथ अगर हम इसका बुलिंजर बैंड स्ट्रेटजी को भी देखें तो बुलिंजर बैंड भी तो वाइजली जो है वो अपना उसके मिडिल बुलिंजर बैंड के ऊपर इस वक्त ट्रेडिंग चल रही है इंडेक्स की। और मिडिल बुलिंजर बैंड के साथ साथ सपोर्ट लेवल मौजूद है इंडेक्स का, जो कि 45,634 के ऊपर मौजूद है। मार्केट जो है वो 45,600 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज करती है, तो विच इज़ अ गुड साइन, इंडेक्स जो है वो फिर अगेन एक अच्छे चैनल की जाने मूव कर सकता है और अपना जो है वो नया टॉप जो है वो बना सकता है और ब्रेक कर सकता है अपनी रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि इंडेक्स की 46,000 लेवल के ऊपर मौजूद है, और ब्रेक करने के बाद हम लोग 47,000 की रेंज में भी मूव कर सकते हैं। ये ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स
की लाइफ टेक्निकल परफॉर्मेंस एज वेल एज दी लाइफ इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस आज आप लोगों ने डिस्कस करी। आई होप ये आप लोग के इन्फॉर्मेटिव, अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर मौजूद हैं, आप लोग हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू।